हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे संधि को कैसे बता सकते हैं। संधि के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। हिंदी जिन जिन एग्जाम में पूछी जाती है, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी लोगों के लिए संधि का ट्रिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखो सीखो विद वीके सिंह इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जोर जोर प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको फ्री में मिलते रहे। तो चलिए देख लेते हैं संधि किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले संधि की बात करें तो संधि का जो परिभाषा होता है उसकी बात करें तो जो दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं, मतलब वर्णों के परस्पर जो मिलने से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, समास का भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान जो देने वाली बात है, यहाँ पर देखिए वर्ण मिलेंगे, ठीक है, संधि में, और समास में शब्द मिलते हैं, ठीक है। तो समास और इसमें आपका फर्क हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर आपको विकार मिलेगा, ठीक है, परिवर्तन या विकार संधि में मिलेगा, और समास में क्या होगा, सार्थक शब्द आपको, ठीक है। तो संधि में आपके दो वर्ड मिलते हैं और समास में आपके जो है शब्द मिलते हैं। तो हमको यहाँ पे डिफरेंस अगर आ जाता है तो हम बहुत ही आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा संधि किसे कहते हैं। अब देखिए, संधि के भेद जो होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जी हाँ दोस्तों, बस आपको यही याद रखना है, तीन प्रकार के होते हैं संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं स्वर संधि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। स्वर संधि की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्वर संधि जो होता है यहाँ पर दो स्वरों के मेल से जो विकार, मतलब संधि आप जान ही चुके हैं संधि किसे कहते हैं, तो स्वर जो संधि होगा वो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। ये आपके पांच प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है। अब देखिए, बस आपको यही चार्ट याद रखना है, स्वर संधि आपको याद हो जाएगा। अब चार्ट में क्या है, मैंने अ आ ई सबको आता ही होगा, तो यहाँ पे अ और आ को एक ए में बांट दिया, यानी ए भाग है ये, ई ई उ और री को बी भाग में बांट दिया है, ए ए ओ औ को बांट दिया सी भाग में, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस मैंने ए बी सी डी कर दिया है, ठीक है, बस बांट दिया है, ठीक है, देख लीजिए आप। ऐसे ही बस जो बांटा गया बस इसी को आपको याद रखना है, बस आप बता देंगे कौन सी संधि कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जब भी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, बहुत विशाल। तो ट्रिक, मैं सिर्फ मेरी बातों का ध्यान रखिएगा, कुछ उसका मतलब नहीं है, बस याद करवाने के लिए प्रयास करूंगा मैं। देखिए दीर्घ मिस क्या होता है, तो अ और आ, मतलब अ आ मिलेगा तभी भी आ हो जाएगा, या आ आ मिलेगा तभी भी आ हो जाएगा, यानी ए पार्ट का इसमें यूज होगा दीर्घ में, ठीक है। इसमें ई ई मिलेगा तब बड़ा, मतलब इसमें क्या होगा, बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अ अ मिल के बड़ा आ बना देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसमें देखिए ई का भी यूज होता है, ठीक है, तो ई ई मिल के यहाँ पर बड़ी ई बनाता है, मतलब दीर्घ मतलब यहाँ पे बड़ा वाला, ए को मिटा दीजिए यहाँ पे, बस बड़ा वाला आपका आएगा, तो समझिएगा कि दीर्घ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अ अ मिल के आ बना सकते हैं, ई ई मिल के बड़ा, मतलब बड़ा आपके बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पर, धन, अधीन, तो यहाँ पे हो गया पराधीन, अ अ मिल के आ बना दिया है, तो आ की मात्रा यहाँ पे पराधीन हो गया है, ठीक है। अब दीर्घ तो सबको आ जाता है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाता है, मतलब वही रहता है, अ का आ बन जाता है, या अ आ मिलके आ बन जाता है, ई ई मिलके बड़ी ई बन जाता है, तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुण संधि की, गुण संधि कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्लस बी, ए यानी कि अ और आ, बी प्लस बी यानी बी मतलब ई ई उ री, मतलब ए का कोई भी भाग प्लस बी का कोई भी भाग, तो क्या क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे दिया है अ आ, अ या आ हम मिलाएंगे, तो मतलब अ और आ हम, या अ मिलाएं या आ मिलाएं, दोनों मिलाएं, या छोटी ई मिलाएं या बड़ी ई मिलाएं, तो मिलेगा हमको ए, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद कैसे पहचानेंगे हम, अ रहेगा लास्ट में, आ रहेगा, प्लस हम करेंगे उ, दोनों को करेंगे तो हमको ओ मिलेगा, ठीक है। तो कैसे हम पहचानेंगे, इसमें अ आ मतलब अ रहेगा या आ रहेगा, फिर उसके प्लस ई, मतलब यहाँ पे बात हो रही है ए मतलब अ या आ, ठीक है, बी यानी कि ई ई उ
मतलब यहाँ पे कैसे हमको पहचानना है, और ए लिखा है ना तो अ या आ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लस, फिर उसका ई या ई, मतलब छोटी या बड़ी, मतलब बी को प्लस किया, ठीक है, यानी ए प्लस बी करना है तो हमको ए मिल जाएगा, मतलब क्या गए, और आ के साथ ई मिलेगा तो ए मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ अ आ मतलब ए प्लस बी, यानी बी में अब ये वाले ऊ और ऊ, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों जब मिलेंगे तो ओ बनेगा, ठीक है, साथ ही साथ अ आ यानी ए, ए वाला और री, मतलब री अकेले जो बच गया, इसको प्लस करेंगे तो हमको अर मिलेगा, अर जिसको बोलते हैं, तो ये जो अर जो होगा ये मिलेगा, तो ये अगर हमको दिख जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, गुड़ संधि करेंगे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है देव धन ईश, यानी कि देवेश। देखिए जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, इसको कंप्लीट कराने के बाद इसी संधि में से आपको बताना होगा, इसी संधि में से क्वेश्चन में दूंगा, चार क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देव धन ईश यानी कि देवेश, ठीक है, तो ये गुड़ संधि है। अब देखिए वह है यहाँ पे, तो वह मतलब कि अ, ठीक है, प्लस ई यानी कि ये हो गया ए, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से आपने बता दिया, ठीक है। साथ ही साथ वृद्धि संधि में आते हैं, तो ए प्लस सी यानी ए यानी अ या आ, प्लस सी यानी ए ए ओ औ, ठीक है। अब इसको देखिए, ए मैंने मैंने क्या बताया था, अ या आ यहाँ पे है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अ या आ है, ठीक है, अब यहाँ पर ए ए है तो हमको ए मिल गया है, तो ये बात वही कर रहा हूँ मैं, ए प्लस सी, बस आपको यही याद रखना है कि ए बी सी है क्या, ठीक है, अ आई किस में आएंगे, अ आई किस में आएंगे, ई ई उ री तक किस में आएंगे, ए ए ओ औ किस में आएंगे, बस आपको यही याद रखना है, याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अ आ यानी ए प्लस सी हमने किया है तो हमको ए मिला है, मतलब ए और ए को लिया है, तो ठीक है, अब अ या आ लेंगे तो ओ और अ हम लेंगे तो हमको अ मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि बात कर रहा है कि अ आ प्लस करेंगे ए ए के साथ तो हमको ए यानी बड़ा वाला मिल जाएगा, साथ ही साथ अ आ प्लस करेंगे ओ के साथ या ओ के साथ तो हमको बड़ा वाला यानी कि ओ मिल जाएगा, ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। इसका जो एग्जाम्पल है महाधन औषध, तो हो जाएगा महौषध, अ या आ मिलाएंगे ओ के साथ तो हमको ओ प्राप्त होगा, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, वही चीजें हैं। तो यहाँ पे हम ए बी ए प्लस सी रहेगा तो वृद्धि, देखिए इसमें कितना आसान तरीका है, ए वाला का यूज होगा, मतलब ए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अ आ ई, मतलब इसमें दीर्घ मतलब क्या, जो छोटा वाला मिलके बड़ा बनाएगा, ठीक है, इसका यूज नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अ आ मिलके आ बनाएंगे, मतलब बड़ा वाला हो जाएगा, बहुत ही आसानी से इसको अब याद रख सकते हैं। साथ ही साथ गुड़ की बात करें तो ए प्लस बी यानी ए का कोई भी बी का कोई भी अगर मिल जाता है तो हमको गुड़ संधि हो जाएगा, ये हमको पता है। साथ ही साथ वृद्धि संधि है, मैंने बात किया ए प्लस सी, ए का कोई भी, साथ ही साथ सी का कोई भी जो भी चीज़ बनाता है वो मैंने आपको बता दिया, ए और अ बनता है, और इसको अगर मिलता है ए प्लस सी मिल जाता है, हम वृद्धि संधि बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं यण संधि और अयादि संधि में, ठीक है, तो यण संधि यानी बी प्लस भिन्न, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए हमने ई को उठाया, ठीक है, तो अब भिन्न होना चाहिए, देखिए बी से आपका जो संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा वो आपका बी होगा, यानी ये बी में ई उ री जो आ रहा है, ई उ री जो आ रहा है, इसमें से कोई भी रहेगा, फिर उसका भिन्न, भिन्न यानी कि मान ली ई हमने उठाया और उ यानी बी वाला भी हो सकता है, लेकिन बस वही चीज नहीं रहेगा, मतलब कि ई हमने उठाया है तो ई ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बस वही बात है यहाँ पे, बस ई के साथ ये ऊ भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बी स्टार्टिंग में आपका होना चाहिए, यानी ई ई हमने उठाया प्लस भिन्न, यानी यहाँ पे यह हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कोई भी भिन्न यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कोई भी यहाँ पे हो जाए ए ओ औ कुछ भी यहाँ पे हमको मिल जाए, ठीक है। अब साथ ही साथ ऊ और ऊ को हम उठाएंगे, कोई भिन्न नहीं इसको लेंगे तो हमको वह मिल जाएगा, ठीक है, री को हम उठाएंगे, अब प्लस कोई भी भिन्न, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है, इसमें री के साथ ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस वही आपका नहीं होना चाहिए भिन्न, इसीलिए मैंने आपको लिखा है, तो बी के साथ ई उ री कुछ भी हो सकता है, भिन्न जब बनेगा तो ये बनाएगा र, ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रतिधन एक यानी कि प्रत्येक, ठीक है। देखिए इसका दीर्घ वाला मतलब कि इसमें बड़ा वाला हो जाएगा, साथ ही साथ गुड़ की बात करेंगे तो ए प्लस बी, वृद्धि की बात करेंगे ए प्लस सी, यण की बात करेंगे तो बी प्लस भिन्न, ठीक है, अब अयादि की बात करेंगे तो सी प्लस भिन्न, बहुत ही आसान है, तो देखिए ए आय को हम लेंगे अब प्लस भिन्न लेंगे, अब ए आय हमने उठाया है तो ए आय के अलावा कोई और रहेगा तो उसको हम भिन्न समझेंगे, ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है, बस स्टार्टिंग आपका सी से होना चाहिए, ठीक है,
बस यही बात ध्यान रखना है आपको। अब ये क्या बनाएगा, ए आय प्लस भिन्न हमने लिया तो ए के साथ लेंगे तो हम अय बनाएगा, ठीक है, और ए के आय के साथ हम लेंगे तो आय बनाएगा, ठीक है, ये हलंत रहेगा यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ ओ और औ को लेते हैं तो ओ को अगर हम लेंगे, औ को लेंगे, ओ को लेंगे तो हमको औ बनाएगा, औ को लेंगे तो आओ बनाएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, देखिए हमने जूम कर लिया, यहाँ पर लिखा है पो धन औ पवन, ये गलत है, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा, ये लिखने में शायद इनसे मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पौ धन अन बराबर, ये अन है, ठीक है, अन, तो पौ धन अन बराबर हो जाता है पावन, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है अयाधि का, ठीक है, पौ धन अन बराबर पावन होता है, ठीक है, ये पवन नहीं पावन, ठीक है, तो ये अयाधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि चार क्वेश्चन मैं पूछूंगा, चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सदैव में कौन सी संधि है, इति प्लस आदि यानी इत्यादि कौन सी संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, पावन अभी मैंने आपको बताया, ये तो मान लीजिए बता देंगे, पावन में कौन सी संधि है, पूरा समय लेके आंसर दीजिएगा चारों का, ठीक है, चारों का आंसर दीजिएगा कि सदैव में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, और पावन में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था स्वर संधि जो आपके पांच प्रकार के होते हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप अगला भाग चाहते हैं इसका, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का ट्रिक, तो इस वीडियो को कम से कम 1500 लाइक दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का हमें ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो एक ही वीडियो मैं दूंगा, उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके कुछ भी सुझाव सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपने देखो सीखो वीके सिंह इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जोर जोर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले पता चलते रहे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।